हेलो गाइस, मैं विवेक सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ड्रीम कार्स कम ट्रू में। अभी इंडिया में बलेनो का ग्लोबल की तरफ से एनकैप टेस्ट किया गया, तो उसने भी बढ़िया प्रदर्शन किया है एंड अव्वल आई है 0 रेटिंग के साथ। एंड हाल ही में स्विफ्ट का भी किया गया था ग्लोबल एनकैप टेस्ट किया था इंडिया में, वो भी 0 के साथ आई है। सब कुछ बढ़िया है मारुति सुजुकी गाड़ियों में, कोई कमी नहीं, रिफाइनमेंट भी अच्छा, गाड़ियाँ इनकी माइलेज भी खूब अच्छी देती हैं, बट सिक्योरिटी के मामले में इतनी कंपैरिजन क्यों? वहीं कंपैरिजन में बात की जाए टाटा की गाड़ियों की, माइलेज में भी वो भी अच्छी हैं, बट थोड़ी सी कमी उनको होगी एंड इंजन रिफाइनमेंट इतना नहीं, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा उनके इंजन करते हैं, बट सिक्योरिटी के मामले में टाटा से अच्छा इंडिया में कोई नहीं है। हाल ही में उनकी नेक्सॉन का टेस्ट किया गया था, तो वो बिल्कुल टॉप 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है। एंड पंच का भी अभी किया गया, वो भी बिल्कुल टॉप पर है इस समय 5-स्टार रेटिंग के साथ। मैं यहाँ पर किसी की बुराई या तुलना नहीं कर रहा, बट आपकी गाड़ियाँ जितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लोग आपकी गाड़ियों को पसंद करते हैं, धड़ल्ले से बिकती है यहाँ पर बलेनो, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इसकी सेलिंग है। बट साथ ही साथ रिफाइनमेंट के साथ, सर्विस के साथ थोड़ी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। कई लोग पहले से ही कहते थे कि मतलब बलेनो की डिज़ाइन और उसकी बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी को देख के लगता है, लोगों के अपने अपने बताने के एग्जाम्पल हैं कि गाड़ी को क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, बट सुजुकी को अपने में थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में बेटर करना चाहिए, अच्छा काम करें, मेरा यही कहना है। तो बस यही थी आपके लिए वीडियो, तो कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी होगी एंड वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।